अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्यूरीज को कंटिन्यू करना है। क्यूरीज में हमने क्यूरी बनाना सीखा है, जिसमें एक सिंपल क्यूरी होती है जिसमें हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द टेबल। फिर सिलेक्शन क्यूरी आ जाती है, जिसमें हम कॉलम्स के साथ साथ हम रोज़ को भी लिमिट करते हैं, जो हमारी कंडीशन हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है। आज हमने जॉइन पढ़ना है। जॉइन बेसिकली क्या है? क्यूरी विच एक्सट्रैक्ट data from multiple tables, which extract data from multiple tables. अब ये multiple tables से कैसे data extract करती है कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा tables select करते हैं और उन tables के column select करते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा tables को join करके एक result दे रही होती है, उनको combine कर रही होती है, उनके columns को combine कर रही होती है, इसलिए इसको join बोलते हैं। ये जॉइनिंग का काम परफॉर्म कर रही होती है, और जो जॉइन होते हैं ये बेसिकली रिलेशनशिप जो हमने बनाई होती है उस रिलेशनशिप को यूज करते हैं टू क्रिएट और टू जॉइन टेबल्स और टू क्रिएट रिलेशनशिप टू एक्सट्रैक्ट, बल्कि क्योंकि हम इसे टू जॉइन नहीं कहेंगे, जॉइंट इसका नाम है, टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स और मोर देन वन टेबल। तो जब हम एक से ज़्यादा टेबल्स पे क्यूरी लगाते हैं तो हम उन टेबल्स पे मोस्टली लगाते हैं जिनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद होता है। अब जॉइन और रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है? जॉइन जो है वो एक क्यूरी है, जॉइन इज ए क्यूरी टू एक्सट्रैक्ट डेटा, वाई रिलेशनशिप इज ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टेबल्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन लिंक करते हैं, और रिलेशनशिप हम लिंक कैसे बनाते हैं ये आप लोगों ने पढ़ लिया, उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, उस लिंक को। जबकि उस लिंक को यूज़ करते हुए जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास जॉइन बन जाता है। तो सो जॉइन एंड रिलेशनशिप आर नॉट द सेम थिंग्स, दे आर बोथ डिफरेंट। जॉइन एक क्यूरी है जो हमें टेबल की फॉर्म में रिजल्ट प्रोवाइड करती है, जबकि रिलेशनशिप कनेक्शन है जो कि डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन करता है। अब हम मल्टीपल टेबल्स में से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या जॉइन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसका मेथड क्या है कि हम ओपन करेंगे डेटाबेस को। डेटाबेस हमने पीसी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। टेबल्स पे क्लिक करेंगे, टेबल्स की जो टेबल्स में हमारे पास जो क्यूरीज का टाइप है हमने क्रिएट करनी है, हमने क्यूरी क्रिएट करनी है, तो हम क्यूरी के टैब पे क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्यूरीज आ गई। अब जितने टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर हमें टेबल्स में से डेटा लेना है हम क्यूरीज में से भी ले सकते हैं और हम बोथ में से भी ले सकते हैं। ये देखें सारी वैल्यूज आ रही हैं। हमने फिलहाल टेबल्स को कम्बाइन करना है तो हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक कस्टमर का टेबल ऐड करवा लेते हैं और एक बुकिंग का टेबल ऐड करवा लेते हैं। इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, आपको पता है कस्टमर आईडी बुकिंग में भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इन टेबल्स को, हम इसके साथ हॉल का टेबल भी ऐड करवा सकते हैं। जितने भी टेबल हमें रिक्वायर्ड हों हम उनको ऐड करवा के इस विंडो को क्लोज कर देंगे। आफ्टर क्लोजिंग दैट अब हमारे पास एक देखें टेबल्स आ गए हैं, कस्टमर के टेबल के रिलेशनशिप है बुकिंग के साथ, इसी तरह हॉल के टेबल का भी रिलेशनशिप है बुकिंग के साथ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, हमने क्या करना है, जो सिलेक्शन विंडो है हमारे पास यहाँ पे हमने फील्ड सिलेक्ट करनी है। अब देखिए हमारे पास सारी फील्ड्स विद टेबल्स आ रही हैं, जितने टेबल्स हमने यहाँ पे ऐड करवाए हैं, कस्टमर का, बुकिंग का, हॉल का। फील्ड में मेरे पास ये देखिए कस्टमर की फील्ड्स पहले हैं, कस्टमर नेम फर्स्ट, कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस, इसी तरह बुकिंग आईडी स्टार्ट टाइम एंड टाइम डेट हॉल आईडी और कस्टमर आईडी और डेकोरेशन, और इसी तरह फिर आप इसको नीचे करें तो हॉल की इंफॉर्मेशन भी आपके पास सारी मौजूद है। मैंने हॉल कस्टमर आईडी शो करवानी है, ये देखें कस्टमर आ गया,
उसके बाद मैंने कस्टमर का फर्स्ट नेम शो करवाना है, नेक्स्ट पे मैंने उसकी बुकिंग आईडी शो करवानी है, और फिर मैंने उसका क्या शो करवाना है, हॉल आईडी शो करवाना है। और हम यहाँ पे बुकिंग डेट भी इंटर करवा लेते हैं, ठीक है, ये बुकिंग डेट। तो अब हमने डिफरेंट टेबल्स यूज़ किए हैं, एक कस्टमर आईडी का, कस्टमर का टेबल यूज़ किया है, बुकिंग का टेबल यूज़ किया है, और हॉल का टेबल यूज़ किया। हमने मल्टीपल टेबल्स को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं तो हम किसी भी एक कॉलम में, कस्टमर के लिहाज से अगर अरेंज करना चाहूँ तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, या हमने अगर डेट वाइज करना है तो हम डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं और हम इसको ख़त्म कर देते हैं। मोस्टली यही होता है कि हम किसी एक वैल्यू को सॉर्ट कर रहे होते हैं। जब आपने सारी फील्ड सिलेक्ट कर ली हैं तो हम इस क्यूरी को सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक करें, या फाइल में जाके आप सेव एज कर सकते हैं, और सेव ऑब्जेक्ट एज में जाके आप सेव ऑब्जेक्ट एज, सेव एज करते हैं तो देखें पूछ रहा है, हम इसको कह देते हैं बुकिंग डिटेल। ये इस क्यूरी का नाम क्या है, बुकिंग डिटेल, और इसे हमने एज ए क्यूरी ही सेव करना है। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पे आपको ये बुकिंग डिटेल की क्यूरी नज़र आ रही है, बुकिंग डिटेल के नाम से ये क्यूरी सेव हो गई है। अब हम इस क्यूरी को रन भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से रन की ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो अब आपको नज़र आएगा कि कस्टमर आईडी है, उसका फर्स्ट नेम है, उसकी बुकिंग आईडी है, उसके बाद हमारे पास हॉल आईडी है, और फिर हमारे पास उसकी डेट है कि हमने उसको किस डेट के साथ। अब देखें डिफरेंट टेबल्स के डेटा को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, तो ये एक जॉइन क्यूरी या एक ऐसी क्यूरी जो मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए वो हम क्रिएट करें। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया, अगर मुझे दोबारा इसे रन करना हो तो ये बुकिंग डिटेल की क्यूरी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ से इसको चेक कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने अगर क्यूरी क्रिएट करनी है लेकिन डिज़ाइन नहीं करना, हमने विजिट के थ्रू क्यूरी क्रिएट करनी है, तो क्यूरी डिज़ाइन के साथ ही आपको क्यूरी विजिट की विंडो नज़र आ रही होती है, आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये एक विजिट शुरू हो गया। सिंपल क्यूरी विजिट, क्रॉस टेबल क्यूरी विजिट, सिंपल में एक टेबल होगा, क्रॉस टेबल में आप मल्टीपल होंगे, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजिट और फाइंड अनमैच्ड, ये डिफरेंट क्यूरीज उन्होंने पहले से बताई हुई हैं। हम इसमें से सिंपल क्यूरी को पहले चेक करते हैं, आप इस पर ओके क्लिक करेंगे तो अब उसने पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट जो विंडो आई है ये सिंपल थी, आपने किस पे क्यूरी बनानी है, टेबल कस्टमर के टेबल पे, डेकोरेशन के टेबल पे, हॉल के टेबल पे, या जो ये क्यूरीज बनी हुई हैं इन पे फर्दर आपने इनको फिल्टर करना है, आप वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हॉल का टेबल सिलेक्ट करती हूँ, हॉल का टेबल जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया नीचे मेरे पास उसकी सारे कॉलम सारी फील्ड आ गई। अब मैंने हॉल आईडी शो करवाना है और उसके चार्जेस शो करवाने हैं, ठीक है, मैंने एक एक करके सिलेक्ट किया है और ये एरो बटन किया है जिसने उसको ऐड कर दिया। अगर आपने इसे रिमूव करवाना है आप सिलेक्ट करके यहाँ से ये जो नीचे आपको लेस देन का साइन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें तो वो रिवर्स चले जाते हैं। आपने सारे एक साथ एंटर करवाने हों तो आप ये डबल एरो क्लिक करते हैं, और नीचे से डबल एरो बैकवर्ड क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, डी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक एक करना है, तो हॉल आई डी को सिलेक्ट करके एरो पे क्लिक किया और इसके चार्जेस को सिलेक्ट करके और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पे वो मुझसे पूछ रहा है डिटेल शोज एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, ठीक है, इसमें दो ऑप्शन आ रही हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स को शो करवाएगा और दूसरा मेरे पास आ रहा है समरी, वो उन रिकॉर्ड्स की एक समरी बना के मुझे शो कर देगा। अब समरी ऑप्शंस में जाके हम देख सकते हैं कि वो समरी क्या होगा, हमें चार्जेस का सम बताएगा। अब समरी जो है वो बेसिकली जो हमने न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट की है उस पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, काउंट रिकॉर्ड इन हॉल, ठीक है, और हमें एवरेज बता दे कि एवरेज चार्जेस उसके कितने हैं, या मिनिमम और मैक्सिमम जो हम सिलेक्ट करना चाहें। मैं मिनिमम भी कर देती हूँ, इसमें देखें हमारे पास चेक बॉक्स हैं, ये स्क्वायर बटन हैं, हम एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर देते हैं कि हमें उसकी मिनिमम प्राइस भी बता दो
उसकी एवरेज प्राइस भी बता दो और काउंट कर दो कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल। काउंट रिकॉर्ड्स में सारे रिकॉर्ड्स जितने भी हैं और मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो अब जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं मुझे वो रिजल्ट में आएंगे। और इसके बाद आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इस क्यूरी का नाम क्या रखना है। हॉल क्यूरी ऑलरेडी इसका नाम है, हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे कह देती हूँ हॉल चार्जेस क्यूरी, आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो अब मैंने हॉल चार्जेस क्यूरी के बाद अब दो ऑप्शन है, आपने इसको डिजाइन व्यू में ओपन करना है या आपने क्यूरी को जस्ट ओपन कर लेना है। अगर आप इसमें और चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसे डिजाइन व्यू में भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इसे ओपन करके फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें उसने मुझे हॉल नंबर वन, उसके एवरेज चार्जेस, उसके मिनिमम चार्जेस और काउंट ऑफ हॉल बता दिया कि हॉल नंबर वन एक ही था, उसकी एवरेज चार्जेस भी 75,000 थे और उसके मिनिमम चार्जेस भी 75। अब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा हॉल होते, मतलब हॉल आईडी वन जो है वो बहुत ज़्यादा होते तो वो उन सब की एवरेज निकालता। इसी तरह उसने काउंट ऑफ हॉल भी बता दिया है, तो हॉल नंबर वन एक ही है, इसी तरह हॉल नंबर टू एक ही है, तो सबकी एवरेजेस बताए हैं और सबके मिनिमम चार्जेस बताए हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही हॉल था तो उसने उसी के अकॉर्डिंग हमें शो कर दिए। अब इसको मैं क्लोज करूं तो आपके पास आ जाता है कि अगर हमें डुप्लीकेट क्यूरी बनानी है, सिंपल क्यूरी आपने देख ली डिज़ाइन विजिट पे जाके, मैं बारी बारी आपको ये सारी क्यूरीज बनाना बता देती हूँ कि हम क्रॉस टेबल क्यूरी पे जाएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी। अब आप देखें वो हमसे पूछ रहा है कि हमने क्रॉस टेबल क्यूरी कौन कौन सी बनानी है, ठीक है, टेबल बिल्स की, ये सारे टेबल हमारे पास आ रहे हैं। मैं बुकिंग का टेबल टेबल्स की बनानी है, पहला टेबल बुकिंग का सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट अब उसमें जो फील्ड्स मैंने लेनी है, बुकिंग आईडी ऐड कर देते हैं, बुकिंग की डेट ऐड कर देते हैं और बुकिंग का कस्टमर को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो अब वो मुझसे पूछ रहा है विच फील्ड वैल्यू डू यू वॉन्ट एज कॉलम हेडिंग, कि आपने हेडिंग में कौन सी वैल्यूज शो करवानी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, अब हमने उसको क्वार्टरली, ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, डेट वाइज हमने उसे कैसे सेट करना है, ठीक है। ये देखें ये जो हेडिंग्स आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं, कि इसको नेक्स्ट करें। अब फील्ड्स हमारे पास आ रही हैं जो हमने सेलेक्ट की हैं, ओके, एंड टाइम हॉल। तो हम यहाँ पे हमारे पास अब उन पे कुछ फंक्शंस आ रहे हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हम ये सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे, अगेन बुकिंग की क्रॉस टेबल क्यूरी उसने बनाई है, हम इसे फिनिश करेंगे तो आपको नज़र आएगा उसने हमें बुकिंग आई डी, कस्टमर आई डी, टोटल ऑफ एंड के जो एंड है उसका टोटल प्रोवाइड कर दिया और कस्टमर आईडी, इसके अलावा इसके साथ उसने हमें ये मंथ्स जो हमने सेलेक्ट किए थे वो सारे आ गए, ठीक है। तो हमें दिसंबर उसने उसकी टोटल टाइमिंग बता दिया। ओके, इसको हम अगर दोबारा से किसी और टेबल पे करते हैं जिसमें हम इसे कैलकुलेशंस को न्यूमेरिक वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सके, हमारे पास हम इन टेबल्स में डेटा देख लेते हैं जिसमें किसको कैंसिल करते हैं। हॉल के टेबल में हमारे पास चार्जेस की फील्ड्स हैं और बुकिंग के टेबल में हमारे पास हॉल आईडी है, के डेकोरेशन आईडी है, डेट है, एंड टाइम है, स्टार्ट टाइम। टेबल में ओके, बिल का टेबल है जिसमें हमारे पास सारी पेमेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इन पे हम इजीली मिनिमम मैक्सिमम और वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखें आपके पास प्राइसेस है, बुकिंग पेमेंट, डेकोरेशन पेमेंट, टोटल पेमेंट मेथड है और टाइम है। हम इस पे क्यूरी लगाते हैं क्रॉस टैब
विजिट करते हैं, ओके करते हैं। अब क्रॉस टैब में हमने बिल का टेबल सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। ठीक है, थ्री फील्ड हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, यू कैन सेलेक्ट अप टू थ्री फील्ड्स। और विच फील्ड वैल्यूज डू यू वांट एज रो हेडिंग्स, कि आपने कौन सी वैल्यूज को एज ए रो हेडिंग लेना है। हमने इसमें बिल आईडी को लेना है, बुकिंग पेमेंट, डेकोरेशन पेमेंट और टोटल पेमेंट को। ओके, हम तीन ऐड कर सकते थे, हमने तीन की हैं। फिर हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में जाके हम बाकी वैल्यूज को भी ऐड करवा सकते हैं। हमने टोटल लेनी है पेमेंट मेथड या टाइम या बुकिंग, हमने ये टोटल वाला लेना है, इनका टोटल कितना बनता है। अब हमने जो है टोटल का मैक्सिमम बताना है। ओके, बैक करते हैं हम इसको, यहाँ से भी हम बैक करते हैं। ठीक है, ये हमने तीन ऐड किए हैं। नेक्स्ट करके हम पेमेंट मेथड ऐड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट करके जो टोटल है, हम टोटल जो प्राइस है उसकी हम ओके, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, उसको फर्स्ट लास्ट हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम इस क्यूरी को फिनिश करते हैं, तो ये देखिए हमें उसने टोटल ऑफ टोटल अमाउंट बता दिया है कि हमारे पास जो बिल आईडीज थे उनकी टोटल अमाउंट को भी उसने उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके कैश में कितनी अमाउंट है, चेक में कितनी अमाउंट है, क्रेडिट में कितनी अमाउंट है, वो से उनको कैलकुलेट करके हमें बता दिया। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्यूरी विजिट में आ जाता है कि अगर हमने डुप्लीकेट क्यूरी फाइंड करनी है। ये देखें, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरीज, और डुप्लीकेट्स क्यूरी हमारे पास क्या करेंगी, इस पे आप क्लिक करते हैं हम। ओके करेंगे। अब विजिट में हम कोई भी हम बिल का टेबल ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब वो हमसे इसमें अगेन पूछ रहा है वैल्यूज का, हम ऐड करवा देते हैं। ओके, हम सारी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। फाइंड डुप्लीकेट्स फॉर बिल्स, अब जो वैल्यूज रिपीट होती हैं वो हमें रिजल्ट में प्रोवाइड करता है। मैं इसे फिनिश करती हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि हमारे पास डेटा इतना थोड़ा था कि उसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो रही थी। लाइक अगर मैं आपको, हमने बुकिंग के टेबल पे किया, बिल के टेबल पे किया, बिल के टेबल को ओपन करूँ, देखेंगे 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। अगर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करनी थी तो हमारे पास कोई ऐसा टेबल, ऐसा डेटा होना चाहिए था जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो। तो जब तक हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट भी सही नहीं आ रहा होगा। अब इस टेबल पे वो डुप्लीकेट क्यूरी हमें एम्प्टी रिजल्ट दे रही है। फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विजिट, अनमैच्ड क्या करेगा, ऐसी क्यूरी जिसमें कोई भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स, मतलब डुप्लीकेट का ऑपोजिट समझ लें, जिसमें हमारे पास सेम वैल्यूज नहीं होंगी। हम बिल के टेबल को ही सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब देखें उसने हमें यहाँ पे, हमने विच टेबल और क्यूरी कंटेन्स द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अब इसमें ये हमें बताएगा कौन से दो टेबल्स में जो है रिलेटेड रिकॉर्ड है। मैं इसे नेक्स्ट करती हूँ। मैंने किसे सेलेक्ट किया था, बुकिंग के टेबल को। बुकिंग के टेबल को जब नेक्स्ट किया है तो उसने बताया है कि बुकिंग के टेबल का जो रिकॉर्ड है वो किसके साथ मैच हो रहा है, बिल के टेबल, बुकिंग आईडी दोनों में सेम है। अगर मैं इसे नेक्स्ट करूँगी, हमने कौन सी फील्ड्स शो करवानी है, ऑल कर दें, नेक्स्ट, और बिल विदाउट मैचिंग बुकिंग के, हम इसे फिनिश करेंगे। तो ये देखें, ये वो वैल्यूज आ रही हैं जिसमें उसने मैचिंग को कंपेयर करके फिर हमें रिजल्ट दिया। बुकिंग के बिल के सारे बिल्स नहीं आए, जो मैच हो गए थे उनका रिजल्ट हमें शो कर दिया।
तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज हैं जो हम विजिट से डिजाइन करते हैं। ओके, अब आपने हमने अगर कोई क्यूरी ऐसी क्यूरी लगानी है हमने अगर किसी क्यूरी को नेक्स्ट आपके पास प्रोसीजर है डिलीट करने का इनको, तो वो सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको बता देती हूँ। हम इसे क्लोज करते हैं क्यूरीज को, हमने ऑप्शन देगा हमें, हमने अगर कुछ डिलीट करना है कोई टेबल कोई क्यूरी, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्यूरीज बनाई है, मैं इसे एक सिलेक्ट करके आप होम पे जाते हैं तो आपके पास ये डिलीट क्रॉस की ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू कांट वाइल इट्स ओपन, तो हम इसे ओके कर देते हैं और हम इसको यहाँ से क्रॉस की वैल्यू हमारे पास क्यों नहीं आ रही, हमने इस क्यूरी को क्रॉस करना है, क्लोज करना है। तो ये जो क्यूरीज है हमारे पास, ये क्यूरी है टेबल है रिपोर्ट है कुछ भी है हमारे पास, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से, हमने कस्टमर क्यूरी हमारे पास क्लोज ही है, मैं इसे सिलेक्ट करके आपके पास यहाँ पे ये डिलीट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपने यू वांट आपसे दोबारा वो पूछता है डिलीट करना चाहते हैं यस, तो वो क्यूरी आपके पास यहाँ से डिलीट हो गई है। तो इस तरह से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि आप कौन कौन से फंक्शंस, अब इनको जब आपने यहाँ पे क्यूरी डिजाइन की है तो आपने देखा, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस टेबल क्यूरी विजिट आपको दिया था, तो बिल का टेबल आपने सिलेक्ट किया था और इसे नेक्स्ट किया था, क्योंकि हम इसमें से ये दो तीन चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, अब सॉरी इसको हम, अच्छा ये जब हमने इस क्रॉस टेबल पे आए थे तो आपके पास कुछ फंक्शंस आ गए थे, अब एवरेज फाइंड करें काउंट फर्स्ट लास्ट, अब ये फंक्शंस क्या हैं और इनको हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, तो हम अब उसको देख लेते हैं वन बाय वन, इन सारों की डिस्क्रिप्शन कि ये फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। ये बेसिकली फंक्शंस हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, ठीक है, फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन, यहाँ हम इनको कहते हैं दीज आर बिल्ट इन फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशंस, ये हमारे पास बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं जिनके लिए, जिनसे हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब कौन कौन से फार्मूलाज आपके पास मौजूद होते हैं, इसमें एक आ जाता है आपके पास ग्रुप बाय का, ठीक है, ग्रुप बाय मीन कि आप के टेबल में अगर कोई डेटा ग्रुप्स में मौजूद है, जैसे आपके अगर स्टूडेंट्स का डेटा है तो हम उसे सब्जेक्ट वाइज ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप हम उसका बना सकते हैं और फिर हम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कि जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये ग्रुप बाय का फंक्शन क्या करता है कि हमारे डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। सम का फंक्शन जो यूज़ होता है वो टोटल करने के लिए या सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, और ऐड ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम, आपके कॉलम में जितनी वैल्यूज होती हैं उन सबको टोटल ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास है एवरेज का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यूज की एवरेज फाइंड करता है, एवीजी एवरेज के लिए यूज होता है, और एवरेज का फंक्शन किसके इक्वल होता है आपके पास, एवरेज का फंक्शन इक्वल होता है सम ऑफ वैल्यूज के, ये जो आपने सम निकाला होता है इसको आप डिवाइड कर देते हैं
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के, जितनी वैल्यूज होती हैं उनको उनके सम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाती है। तो हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, हम सिर्फ एवरेज का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। मिनिमम जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए यूज़ होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। जो मैक्सिमम है वो हमारे पास यूज़ होता है लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है। इसके बाद आपके पास आ जाता है काउंट, जो है जो भी मैंने आपको कहा कि ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से आप इसे डिवाइड करते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इससे कि एक फील्ड एक कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद हैं, उसके लिए आप काउंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ये स्टैट्स की टर्म है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं इससे। ये भी एक फार्मूला होता है जो आप फाइंड कर सकते हैं, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसके बाद वेरियंस भी एक फार्मूला होता है जो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं, वो वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करके उसे दिखा देता है। जब आपने कोई न्यूमेरिक कॉलम सेलेक्ट किया होगा तो उस वक्त आपके पास ये ऑप्शन आ रही होती हैं। फर्स्ट जो है वो उस फील्ड की फर्स्ट वैल्यू, उस कॉलम की फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉलम को रिटर्न करता है कि उस कॉलम की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है। इसी तरह जो आपके पास लास्ट है वो लास्ट वैल्यू ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में सबसे जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ आप शो करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, यूज टू क्रिएट फार्मूला। अगर आपके पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है तो आप एक्सप्रेशन को यूज करके खुद से कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास वेयर भी आ जाता है, और वेयर बेसिकली क्या होता है, वेयर जो है हमारे पास टू सेट क्राइटेरिया या टू सेट कंडीशन, जब हम कोई क्राइटेरिया लगाना चाहें तो उस वक्त हम वेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपका ये चैप्टर भी एंड हो गया है, चैप्टर नंबर 6 हमने एंड कर दिया है। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दो चैप्टर हमने एंड कर लिए हैं। आफ्टर दिस अब आप लोगों को 5 अगस्त तक आप लोगों का ऑफ है। ठीक है, अब आप लोगों ने 6 अगस्त को इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, और 6 अगस्त को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट ऑन 6 अगस्त 2020 और ये आपका टेस्ट किसका होगा, 35 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो आपने पढ़ा है इसके फर्स्ट 35 क्वेश्चंस का टेस्ट आपने प्रिपेयर करना है जो 6 अगस्त को होगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग आपके यहाँ पे 36 क्वेश्चंस रह जाते हैं, 36 to 71 जो क्वेश्चंस हैं उनका टेस्ट आपका, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास इनका टेस्ट आपका 10 अगस्त को होगा। तो आप लोगों ने ये प्रिपेयर करने हैं टेस्ट अपने, और ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के ये टेस्ट होंगे।